चिकनी नाम के गांव में ज्यादातर लोग भैंसों के ऊपर ही निर्भर होकर जीते थे। वो उन भैंसों का दूध निकाल के बेचकर अपना जीवन गुजारते थे। एक दिन उस गांव को गंगू चमेली नाम के पति पत्नी आते हैं। वो उस गांव में एक कमरा भाड़े पे लेकर जीने लगे। एक दिन चमेली, ये क्या है जी, हम इतने दिन अच्छे से चोरी करते हुए जी रहे थे ना, अब मुझे यूँ अचानक से इस गांव में लाकर फेंक दिए। यहाँ सिनेमा नहीं है, शॉपिंग नहीं है, और ऊपर से चोरी करने के लिए मना कर रहे हो। अपने पास जो पैसे थे वो सब खत्म हो गए हैं जी, अब तुरंत काम पे चढ़ते हैं, चलिए। अरे रुको मेरी माँ, इस एक गांव के पुलिस स्टेशन के अलावा बाकी सभी पुलिस स्टेशन में हमारे तस्वीरें लगी हुई है, इसलिए तुम्हें इस गांव को लाया मैंने, नहीं तो कब का हम जेल में बैठकर चक्की पीसते थे। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास पैसे नहीं है, बस उतना ही ना। हम इस गांव में चोरी करेंगे, मगर एक प्लान के प्रकार करेंगे। मैंने एक बात गौर किया है री, इस गांव में कीमती चीज भैंस ही है, और उसके साथ साथ इस गांव के लोगों में अंधविश्वास भी ज्यादा है। इन दोनों पॉइंट्स को नजर में रखकर मैंने एक मास्टर प्लान बनाया है, कहकर उसे कुछ समझाया। दोनों मिलकर गांव के बाहर एक खाली जगह पर खोदना शुरू किए। थोड़े दिनों में ही वहां पर एक अंडरग्राउंड बनाए। अब से हम अच्छे से भैंसों को चुरा कर यहाँ छुपा सकते हैं री, उनका दूध बेचकर हम इज्जत से जी सकते हैं, किसी को भी हम पर शक नहीं होगा, एक रुपया खर्च नहीं होगा, सब मुनाफा ही मुनाफा होगा। आप तो चोरों के चोर हो जी, मेरी खुशकिस्मती है जो आप मुझे मिले। उस रात दोनों एक घर में घुसकर दो भैंसों को चुराए, उन्हें अंडरग्राउंड में छुपा दिए। अगले दिन चमेली उनका दूध निकाली। गंगू दूध के कैन साइकिल पर रखकर घरों में दूध बेचने लगा। ऐसे थोड़े ही दिनों में उनके अंडरग्राउंड में बहुत सारे भैंस जमा हुए। भैंस को पालने वाले सब जाकर पुलिस वालों को कंप्लेंट दिए। एक दिन गंगू एक होटल में दूध बेच रहा था, तभी गोविंद नाम का एक दूध बेचने वाला, वैसे तुम कौन हो भाई, तुम्हारे घर में एक भी भैंस नहीं है, मगर तुम्हें दूध कहाँ से मिल रहा है, आए दिन इतने लीटर दूध कैसे बेच रहे हो, मैं आज पता करके ही रहूँगा। गंगू बिना घबराए, मुझे पता था जी कि आप किसी ना किसी दिन ये बात पूछोगे, कहकर जब पूछेंगे तब बोलूंगा कहकर मैं भी चुप था। सच है हमारे पास भैंस नहीं है, मगर उस भैंस माता की कृपा से हमें आए दिन मुफ्त में दूध मिलता है। क्या भैंस माता, मैंने कभी नहीं सुना है, झूठ मत बोलो, शराफत से सच बोलो। मैं सच कह रहा हूँ जी, चाहे तो गांव वालों को लेकर गांव के दक्षिण की तरफ मौजूद खाली जगह के पास आ जाओ, तुम्हें सब समझ आएगा। अगले दिन गोविंद और गांव वाले उस जगह के पास गए। वहाँ अंडरग्राउंड के ऊपर एक बड़ा सा भैंस का सर था, उसे देखकर सब दंग रह गए। सब आंखें मूंछकर जय भैंस माता कहकर पुकारिए। जय भैंस माता कहकर पुकारने लगे। गंगू रिमोट को दबाते ही उस भैंस के मुंह में से हल्दी और कुमकुम आकर लोगों के ऊपर गिरा। वो खुशी से झूम उठे। कम से कम अब तो भी आपको समझ आ गया होगा कि मुझे दूध कहाँ से मिलता है, मैं बहुत पवित्र दूध लाकर आपको कम दाम में बेच रहा हूँ, अब आपको बात समझ आ गई है ना, अब से मैं लीटर दूध 200 रुपए में ही बेचूंगा, नहीं तो बोलिए पड़ोस गांव में जाकर बेचूंगा। अरे ऐसे मत कीजिए जी, आप दाम चाहे जितना भी लगाओ, हम सब आपके पास ही दूध खरीदेंगे, दूसरों से नहीं खरीदेंगे, वो शुद्ध दूध हमें ही बेचिए। गोविंद और दूसरे दूध वाले एक दूसरे के मुंह देखने लगे। उस दिन से लोग आए दिन आकर उस भैंस के सर की पूजा करने लगे। उसके ऊपर दोनों तरफ सीढ़ियां डालकर सर पे चढ़ने लगे, उसमें छुट्टे और नोट डालने लगे। अंडरग्राउंड में गंगू चमेली उन पैसों को उठाने लगे। ऐसे वो लोग दोनों तरीके से
पैसे कमाने लगे। एक बार रात भर बहुत बारिश गिरी। सुबह गांव वाले उस भैंस माता के सर के पुतले के पास आकर देखे कि उसका पैंट निकला हुआ था। वो सफेद रंग में दिखाई देने लगा। वहां उन्हें अंडरग्राउंड के दरवाजे भी दिखाई दिए। वो ये सब देखकर आश्चर्य में पड़ गए। गांव वाले उस अंडरग्राउंड के अंदर गए। वहां उन्हें बहुत सारे भैंस दिखाई दिए। गंगू और चमेली अच्छे से खर्राटे मारते हुए सोने लगे। गोविंद और बाकी के गांव वालों को बात समझ आ गई। वो सब जाकर गंगू चमेली को लठ लेकर खूब पीटने लगे। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? सपने में मार रहे हो या सच में मार रहे हो? कहकर पुकारने लगे। पुलिस वाले उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाले।